नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम देखेंगे 2.14 फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937-1939। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 1935 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बाय विच प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू द इंडियन प्रोविंसेस। यानी कि 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसके तहत हर प्रांत को यानी कि हर प्रोविंस को इलेक्शन के जरिए सरकार बनाने का एक मौका मिला। एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस द कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 8 आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस। और इलेक्शन जब हुआ उसका जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि कांग्रेस ने कुल 11 प्रांतों में से यानी कि कुल 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने सरकार बनाया और बाकी जो 3 प्रोविंसेस थे पंजाब सिंध और बंगाल वहाँ पे कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। द प्रेस्टीज ऑफ द कांग्रेस एज द अल्टरनेटिव टू द कॉलोनियल स्टेट रोज इवन हायर। और जैसे ही 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाया तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस का जो प्रेस्टीज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और ऐसा माहौल बन गया कि अब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के बाद में सबसे पावरफुल अगर किसी को मानते उस समय लोग तो था कांग्रेस। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये छोटा सा टॉपिक समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।